हेलो एवरीवन, आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि तमिलनाडु में 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोलने की अप्रूवल मिल गई है। और अगर जो कमेटी ऑफ काउंसिल है उन्होंने फाइनल हाँ बोल दी हो तो तमिलनाडु की स्टेट 900 MBBS सीट्स उनकी मेट्रिक्स में एडमिशन में 2020 में डाल सकते हैं, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने बोला। तो फिर फाइनल नंबर ऑफ जो सीट्स होगी गवर्नमेंट कॉलेज में तमिलनाडु में वो 4,150 हो गया था। तो फ्राइडे को स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स इशू किया था लैंड का अलॉटमेंट में, जो कॉलेजेस बनने वाली है रामनाथपुरम में, विरुधुनगर में, नीलगिरीज में, दिंडीगुल, तिरुपुर और नमक्कल में। जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा भी कहा है कि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ and purchase of equipment. Our officials have made the best presentations to ensure we get approvals from the center for all 6 colleges. तो उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल और स्टाफ सबको अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चालू कर दी है और सारे इक्विपमेंट भी बाई कर दिए ताकि सेंटर से 6 कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाए। जो हेल्थ सेक्रेटरी है बीला राजेश, उन्होंने जस्टिफाई करना पड़ा कि मेडिकल कॉलेजेस की ये हर एक लोकेशन में मेडिकल कॉलेज क्यों चाहिए। तो तमिलनाडु को कन्विंस करना पड़ा बोर्ड में कि नीलगिरीज में कॉलेज क्यों चाहिए, क्योंकि वो कोयम्बतौर से नज़दीक है। तो उन्होंने बोला कि जो नीलगिरीज है उनमें हिल पे चढ़ने में बहुत देर लगती है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि नीलगिरीज में एक कॉलेज बने। अगस्त में कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया था कि 75 गवर्नमेंट कॉलेजेस बने बाय 2021 टू 2022, और तमिलनाडु जिसमें 23 मेडिकल कॉलेज है उन्होंने प्रपोज किया है कि 6 मेडिकल कॉलेजेस बने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।